एक कपड़ा यहाँ पे मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है, अभी तक मैंने इसके अंदर डाला नहीं। और ये देखिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो फ्रेंड्स, अभी मैं बैग पैकिंग कर रहा हूँ, मैं तैयारी कर रहा हूँ जो मैं निकलने वाला हूँ। तो आज ट्यूजडे है और मैं वेडनेसडे को निकलने वाला हूँ, इसलिए मैं अभी बैग पैकिंग कर रहा था। तो सोचा कि आप लोग को भी मैं दिखा दूँ। तो मेरा रूम बहुत ही मेसी हो पड़ा है, यहाँ पे भी कपड़ा सपड़ा ऐसे पड़ा हुआ है और यहाँ पे दिखाता हूँ मैं। और यहाँ पे भी मेरा जो बैग है वो भी ऐसे पड़ा हुआ है, एक कपड़ा यहाँ पे मैंने फोल्ड करके रखा हुआ है, अभी तक मैंने इसके अंदर डाला नहीं। जैकेट है और कुछ मैंने टी शर्ट्स शॉर्ट्स और शर्ट ले लिया है और दो लॉन्ग पैंट जैसा, ताकि वहाँ पे लाने के लिए। और पावर बैंक, अभी पावर बैंक भी चार्ज नहीं किया, चार्ज करना पड़ेगा इसको भी। और यहाँ पे भी देख सकते पूरा मेसी हो पड़ा है ये सब, मतलब आके पूरा अनबॉक्स करके यहीं पे जो फेंका तो यहीं पे फेंक के हुआ है अभी। तो इसको सब अभी मुझे पैक करना पड़ेगा। और मैं बाइक भी धो रहा था, तो उसके बाद बाइक का भी थोड़ा बहुत सर्विसिंग करना बाकी था। सर्विसिंग मतलब इतना ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ ब्रेक शू मैंने चेंज किया है फ्रंट एंड रियर का। उसके बाद फ्रंट का जो जो बियरिंग होता है वो भी ख़त्म हो गया था, तो वो भी चेंज किया है मैंने। और बाकी ऐसे तो नॉर्मली सब ठीक ही है बाइक में। चेन का पॉकेट में थोड़ा सा दिक्कत है, सिर्फ रास्ते में दिक्कत ना हो वही चाहता हूँ मैं। मतलब ऐसे तो मैकेनिक को दिखाया तो बोला मतलब ठीक ही है, कोई बात नहीं, चल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा मतलब साउंड देता है, जैसे पॉकेट जब खत्म होने का आता है उस समय जैसे साउंड देता है, वैसे साउंड दे रहा थोड़ा बहुत। तो देखते हैं अभी क्या करते हैं। तो अगर वाई पे ज़्यादा होने से तो मैं डिमापुर में जाके चेंज करवा लूंगा, क्योंकि यहाँ से डिमापुर तो सबसे लॉन्ग डिस्टेंस होगा, तो वहाँ पे मैं चेंज करवा लूंगा। अगर नहीं होता तो ऐसे चलने देते हैं उसको। तो अभी चलते हैं इसको मैं अभी अरेंज कर लेता हूँ। बहुत थक भी गया मैं आज सुबह से, आज ऐसे भी ट्यूजडे था तो यहाँ पे वीकली मार्केट आता है, तो वो अभी भी गया ऐसे करते करते पूरा ही थक गया। तो अभी इसको पैकिंग करना पड़ेगा, अरेंज करना पड़ेगा। आइए चलते हैं, दिखाते हैं आप लोग को। और उसके बाद भी बहुत कुछ काम बाकी है, छोटा मोटा पहले से करेगा करेगा बोल के भी टाइम ही नहीं मिला, इधर उधर करके, यानी आज नहीं कल, कल नहीं परसों, ऐसे करते करते आज आखिरी दिन है, आज करना पड़ेगा। तो चलिए पैकिंग कर लेते हैं इसको। फ्रेंड्स देख सकते हैं बैग भी बहुत ही बड़ा वाला है, ये देख सकते हैं अच्छा खासा स्पेस है इसमें, 75 लीटर का है। तो सबसे पहले मैं इस पर जो मेरा ये जैकेट है, जैकेट डाल लेता हूँ, क्योंकि दिमापुर ऐसे में तो काम नहीं आएगा, लेकिन कोयमा में जाने के बाद जुकू वैली यहाँ पे लगेगा जैकेट। इसको वजह से जैकेट एक ले रहा हूँ, वो नीचे पे रखूंगा मैं सबसे नीचे, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद ही निकलना पड़ेगा इसको, तो इसलिए इसको सबसे नीचे रख देते हैं। सो गाइस, ये मेरा स्लीपिंग बैग है, तो स्लीपिंग बैग को भी मैं सोच रहा हूँ इसके अंदर ही डाल दूँ, क्योंकि स्पेस अभी भी बहुत ज़्यादा है। और मतलब मैं जितना ज़्यादा दिन के नहीं जा रहा हूँ, ऐसे लगभग होगा 10-15 दिन, तो उसके हिसाब से मैंने कपड़ा ले लिया है। तो अभी स्पेस है तो इसके अंदर ही डाल लेते हैं इसको भी, ऐसे बाहर में रखने भी फायदा नहीं है। तो फिर अभी मेरा बैग तैयार हो गया पूरा, तो अभी इसमें कुछ और चीज़ें जाना बाकी है अभी भी। तो शू कंपार्टमेंट में भी मैं अभी सैंडल डाल के लेके जाऊंगा, क्योंकि मैं बूट ही लगा के जाऊंगा वहाँ तक के लिए। तो और कुछ ये जो फर्स्ट एड किट है वो भी डालना बाकी है, तो वो डाल लेता हूँ। और बाकी मेरा जो कैमरा का जो एसेसरीज है वो सब मेरा इस छोटे वाले पाउच पे जो कमर पे लगाता है उस पर आ जाएगा, तो इसका कुछ टेंशन नहीं है, इसमें डालूंगा। और एक टू छोटा वाला बैग लूंगा, लैपटॉप बैग, उस पर लैपटॉप जाएगा। तो लैपटॉप के लिए तो बैग पकड़ना पड़ेगा, कि वो भी जरूरी है वीडियो स्टोर करने के लिए, तो वो भी कर लेता हूँ अभी मैं। तो बस इतना ही था, अभी पूरा पैकिंग करना बाकी है, थोड़ा बहुत पैकिंग करना बाकी है, थोड़ा बहुत कर लेते हैं। और बाकी का रेस्ट लेते हैं, रेस्ट लेके जो जो मैं भूल चुका हूँ वो याद कर लेते हैं एक बार, क्या मालूम आधे रास्ते में याद आने से नहीं होगा ना फिर।
और कैमरा ये सब भी चार्ज लगाना है मुझे, वो चार्जेस लगा लेते हैं। और बाइक भी मैंने धो के बाहर पे रख दिया, मैं दिखाता हूँ आप लोग को। चलिए गाइस, तो मैं अभी बाइक धो ही रहा था तो मेरा घर पे एक जेट स्प्रे है, तो सोचा कि आप लोग को दिखा दूँ। बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्ड से वो स्प्रे करता है, मतलब पानी को या शैम्पू को नहीं। तो मैं दिखाता हूँ हम लोग का, जो मेरा घर का लोकल है, मतलब मैंने खुद से बनाया है, तो देख सकते हैं आप लोग। तो ये है मेरा जेट स्प्रे, यहाँ से मैंने पानी से निकला, और ये देखिए फुल हाई प्रेशर, मजा नहीं आ रहा है। देखिए गाइस, एक ही बार में पूरा साफ हो गया जा रहा है। तो और दिखाते हैं आप लोग को, अभी रेडी करना है तो उसका भी दिखा देते हैं आप लोग को। देखिए गाइस, देख सकते हैं मैंने बाइक को पूरा धो के पूरा पॉलिश मार के रख दिया है, अभी पूरा अभी शाइन कर रहा है। और ये जो है ये भी मैंने अभी नया लगवा दिया है, पुराना वाला जो है वो खोल के मैंने रख दिया है घर के अंदर ही, और नया वाला लगा दिया। जैसे भी हो, सात दिन साथ देना चाहिए तुमको पूरा रास्ता, और राउंड मारना है। कल मैं इसका जो यहाँ का बेयरिंग आता है वो बेयरिंग चेंज किया था, फ्रंट का ब्रेक शू, उसके बाद रियर का ब्रेक शू। सो गाइस, तो आज जो ये हेलमेट का जो अमाउंट होता है, मतलब ये स्पायर अमाउंट जिसे कहते हैं, वो आ जाए तो उसको भी मैंने फिटिंग करवा दिया। अभी इसका टेस्ट नहीं किया कैमरा डाल के, और माइक का भी टेस्ट नहीं किया, माइक मालूम नहीं कैसा काम करेगा। जो पहले साउंड आ रहा था मैं जब राइड करता उस समय, तो थोड़ा सा विंड नॉइज भी आ रहा था। तो ये मतलब माइक का क्वालिटी की वजह से, इतना अच्छा वाला क्वालिटी नहीं है उसका वजह से ऐसा है। मैं इसको ठीक करने की कोशिश करूँगा, जब पैसा मिलेगा उस समय मैं थोड़ा अच्छा वाला माइक लूंगा, माइक लेके उससे मैं यूज करूंगा। तो अभी तो उसी से काम चला रहता है, उस पर फॉर्म जो फॉर्म होता है फॉर्म डाल के मैं ट्राई करके देखता हूँ कि कैसा आता है उस पर। तो अभी एक टेस्ट राइड ले लेते हैं, मैं टेस्ट राइड ले लूंगा, मैं अभी टेस्ट राइड लेके देखते हैं कैसा होता है। चलिए तो चलिए गाइस, मैं इस वीडियो को ये पे एंड करता हूँ। मैं जो पैकिंग कर रहा था, मैं जो रेडी कर रहा था, वो आप लोग को बताना जरूरी था, आप लोग को अपडेट देना जरूरी था इसका वजह से। तो मैं कल आप लोग को पूरा, मतलब जब मैं राइड करूंगा उस समय आप लोग को दिखा दूंगा, मैप दिखा दूंगा। चलो अभी दिखा देता हूँ मैं, ये देखिए साइड पे जो आ रहा है, मैं पूरा ऐसे राउंड करके मैं निकलने वाला हूँ। और इंस्टाग्राम में आप लोग को अपडेट मिल जाएगा, तो इंस्टाग्राम में आप लोग अपडेट रहिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा मेरा इंस्टाग्राम का, तो वहां पे जाइए, जाके आप लोग फॉलो कीजिए मुझे। और बाकी का वीडियो कल के बाद, कल के बाद नया सीजन शुरू होगा, नया एडवेंचर शुरू होगा, अमेजिंग अमेजिंग वीडियो आएगा। तो प्लीज अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और बहुत सारा फ्रेंड अभी भी ऐसा है कि मतलब जो मैंने 1 month लेट कर दिया, इसका वजह से नहीं देख रहा वीडियो, कोई बात नहीं, उनको नोटिफिकेशन, अगर उन्होंने जो बेल आइकन ऑन किया है तो उनको नोटिफिकेशन आ जाएगा। प्लीज आप लोग भी चेकआउट कर लीजिए एक बार। और मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ, बहुत दिन के बाद मैं सब बाहर में निकल रहा हूँ, तो इसका वजह से प्लीज मुझे भी दुआ कीजिए आप लोग कि अच्छे से मैं जाके आऊंगा, ये मेरा फर्स्ट ऐसा लॉन्ग राइड होगा और सोलो राइड होगा। तो चलिए गाइस, मिलते हैं अभी अगले पे, टिल देन सायोनारा।